मच ऑफ टाइम कि हम बैठ के राइस से इंक्लूडेड सारे DIYs करें, बॉईल करें, फिर राइस के वाटर को निकालें. नो नो नो, आई कांट लिटरली डू दैट. ओके, सो आई काफी टाइम से ना हमारी कंट्री में ग्लास स्किन का बड़ा ट्रेंड आ गया है. यस गर्ल्स, एवरीवन वांट्स टू अचीव दैट ग्लास स्किन. अब ये ग्लास स्किन आया कहाँ से है? सो ग्लास स्किन जो है गर्ल्स, ये कोरिया से आया है. कोरियन के जो मॉडल्स हैं ना, उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्यूई, प्लम्पी एंड ऐसी ल्यूमिनस होती कि अगर सामने से कोई भी लाइट पड़े ना तो उनकी स्किन जो है रिफ्लेक्शन देती है. यस, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है. सो लेट मी टेल यू कि इन ऑर्डर टू अचीव द ग्लास स्किन यू हैव टू यूज राइस. यस गर्ल्स, यू हर्ड इट राइट. राइस जो होता है ना, वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही चेंज करके रख देता है. ओके, तो राइस को आप एज एन DIYs में भी यूज कर सकते हो. काफी सारे DIYs आपको YouTube पे मिल जाएंगे. बट गर्ल्स, लेट मी टेल यू दैट इट इज वेरी वेरी मैसी टू यू नो मेक DIYs यूजिंग राइस. सो आई प्रिफर यूजिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर इन्फ्यूज्ड विद राइस. ओके, सो लेटली आई गॉट टू नो अबाउट दिस रेंजेस फ्रॉम ममा अर्थ. दीज आर द राइस रेंजेस, लाइक दीज आर द रेंजेस फॉर द ग्लास स्किन. ओके, सो दिस इज देयर ममा अर्थ राइस वाटर फेस वॉश, एज यू कैन सी. सो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. Q2 से ट्यूब है, आप देख सकते हो. नाउ इसमें टू मेन इन्ग्रीडियंट्स आपको मिल जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइस वाटर मिक्स किया गया है इसमें. देन सेकेंडली इसमें जो है नायासिनामाइड मिक्स किया गया है. तो राइस वाटर जो होता है वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है. एज आई टोल्ड यू कि उससे आपकी स्किन जो है क्लियर क्रिस्टल बनती है और आपकी स्किन का कोई भी टेक्सचर है ना वो भी इम्प्रूव होता है. देन नायासिनामाइड क्या करेगा? नायासिनामाइड काफ़ी टाइम तक आपकी स्किन को रिजुविनेट करके रखता है. सो गर्ल्स, दिस ममा अर्थ राइस फेस वॉश जेंटली क्लेंजेस द स्किन. इट विल हाइड्रेट योर स्किन एंड ऑल्सो इट ब्राइटन्स द स्किन टोन. ये जो फेस वॉश है ये सूटेबल है फॉर ऑल द स्किन टाइप्स. डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ऑल्सो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन. नाउ लेट मी टेल यू कि इसमें जो है टू इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइस वाटर, जो कि क्लैरिफाई करेगा आपकी स्किन को, स्टिमुलेट करता है कोलाजन प्रोडक्शन को, जिससे कि आपकी स्किन ग्लास स्किन में रिजल्ट करती है. ओके, देन सेकेंडली इसमें नायासिनामाइड मिक्स किया गया है जो कि रिमूव करता है डेड स्किन सेल्स और मिनिमाइज करता है पोर्स और आपकी स्किन को जो है फ्रेशर और हेल्दियर बनाता है. सो गर्ल्स, एज यू सॉ इन द डेमो, इसने मेरी जो स्किन है अभी काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दी है. मेरे पहले यहाँ पर थोड़े थोड़े से यू नो डार्क स्पॉट्स थे, तो काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो वो जो है रिड्यूस होते नज़र आ रहे हैं. और अभी मेरा स्किन का टेक्स्चर है ना काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. तो पहले ऐसे बम्पी टाइप की थी स्किन, अभी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है. तो अगर आपको भी ग्लास स्किन अचीव करनी है तो जस्ट गो फॉर दिस गर्ल्स, दिस इज रियली वेरी गुड. ओके, नाउ आई विल टेल यू सेकेंड स्टेप ऑफ दिस ग्लास स्किन केयर रूटीन. तो सेकेंड स्टेप में आपको यूज करनी है ये ममा अर्थ की राइस जेगरी. इट लुक्स लाइक दिस गाइस. सो ये जो है इस तरीके की पैकेजिंग में आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग मिलेगी. ऑलराइट, देन आपको जो है ये प्यारी सी बॉटल मिल जाएगी. तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे मैंने अप्लाई करा है. सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है. सो एज यू कैन सी गाइस, जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी है. एंड व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर फेस तो आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोई हो जाता है. सो इस क्रीम में भी जो है राइस वाटर एंड नायासिनामाइड मिक्स किया गया है. ये भी आपकी स्किन को जो है एक ग्लास स्किन इफेक्ट देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है. नाउ ये सारे ही प्रोडक्ट्स मैं जो है लिंक्स दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो. ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो है ममा अर्थ पे अवेलेबल हैं. ऑफकोर्स ममा अर्थ का जो ऐप लॉन्च हुआ है उस पर भी अवेलेबल हैं. आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, पर्पल पे मिल जाएंगे, नायका पे मिल जाएंगे और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे. ओके गर्ल्स, और अगर आप मेरा जो है ये वाला कूपन कोड यूज करते हो तो mamaearth.in पे आपको मिलेगा 20% ऑफ. एंड नाउ लेट मी टेल यू द वंडरफुल थिंग अबाउट दिस क्रीम दैट इट हैज़ SPF 30. तो अगर आप इस क्रीम को डे टाइम पे लगा रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू गो समवेयर आउटसाइड ऑफ योर होम तो देयर इज़ नो नीड ऑफ अप्लाइंग एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लोशन ऑन टू योर फेस. तो मैं जो है काफ़ी टाइम से बाहर जा रही हूँ, रेगुलरली मेरा बाहर जाना हो रहा है बिकॉज ऑफ द शूट एंड यू नो
सम अदर स्टफ. तो मैं जो है जस्ट ये फेस वॉश यूज करके देन आई एम गोइंग टू अप्लाई एंड आई अप्लाई दिस क्रीम एंड आई एम सॉर्टेड गर्ल्स. एंड लेट मी टेल यू, ये जो क्लास स्किन केयर रूटीन है ना, ये आपको बहुत ही वंडरफुल इफेक्ट्स देने वाला है, रिजल्ट्स देने वाला है. ट्रस्ट मी अपॉन दैट, आपको ये एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए. अब यार अगर आप वो सारे DIYs वगैरह करते हो ना, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं. एंड ऑल्सो वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि हम बैठ के राइस से इंक्लूडेड सारे DIYs करें, बॉयल करें, राइस के वाटर को निकालें. नो, आई कांट लिटरली डू दैट. ओके, सो आई एम जस्ट डिपेंडेंट ऑन दीज टू प्रोडक्ट्स. ये काफ़ी मुझे पसंद आ रहे हैं और अभी देखना इनकी जो प्रोडक्ट्स है ना, ट्रेंड भी होने वाले हैं. एज Guys, so Mama Earth is a plastic positive brand. They recycle more plastic than they use. They now recycle over 240 empty plastic every month, which means 1 empty is equals to 1000 kgs. Isn't a good thing? And also Mama Earth products are free from harmful chemicals and all are natural. Now guys, Mama Earth has launched its official app. Users will get early access to all the sales and get extra discounts. So do not forget to buy from mamaearth.in and its app also. Now let me tell you its texture girls. तो ये जो face wash है, इसका texture मुझे काफ़ी creamy लगा. काफ़ी सारे face washes ऐसे होते हैं जब आप use करते हो उसको तो आपका natural oil drain कर देते हैं, but it is not with this face wash. इसने जो है मेरा face का जो भी natural oil है वो बिल्कुल भी drain नहीं करा. और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको काफ़ी सूटेबल रहने वाला है. बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अप्लाई क्रीम बेस्ड फेस वॉशेज, और अगर आपकी यू नो ऑयली स्किन है तो गो फॉर सम जेल बेस्ड फेस वॉशेज. तो इट इज़ क्रीम बेस्ड फेस वॉश जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. माई स्किन इज सहारा डेजर्ट ड्राई स्किन, बट अभी मानसून सीजन में मेरी थोड़ी सी यू नो कॉम्बिनेशन स्किन भी हो जाती है. सो इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन ऑल्सो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस फेस वॉश. और गर्ल्स लेट मी टेल यू कि जब आप जो है एक ग्लास स्किन रूटीन की तरफ बढ़ते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप उसमें होता है कि आपके जो ओपन पोर्स हैं उसको मिनिमाइज करना, उसको रिड्यूस करना. अगर वो रिड्यूस होते हैं ना तो आपकी स्किन का टेक्सचर अपने आप ही स्मूथ बनता है, एक बेस जो है वो स्मूथ बन जाता है. तो इसमें जो है नायासिनामाइड मिक्स किया गया है. सो नायासिनामाइड डज दैट वर्क, आपका जो पोर्स है ओपन पोर्स है उसको मिनिमाइज करता है, जिससे कि आपका बेस जो फेस का स्किन का है वो एकदम स्मूथ बनता है. और इसी के साथ ही साथ गर्ल्स आपका जो स्किन का कोलाजन प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आपका कोलाजन प्रोडक्शन होता है ना तो उससे आपके फेस के जो रिंकल्स हैं, लाइंस हैं, वो भी बिल्कुल नहीं पड़ते हैं और रिड्यूस भी होने के चांसेस बहुत अच्छे से हो जाते हैं. ओके, सो गर्ल्स ये जो ग्लास स्किन केयर रूटीन है आप भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं. सो डू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको बहुत ही वंडरफुल डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. सो येस गर्ल्स, यही था मेरा आज का वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक ज़रूर करना. मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल टू सी दिस टाइप ऑफ ऑसम कॉन्टेंट. और मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो के साथ में. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश. बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय.